मुंबई के झावेरी बाजार की इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा के ऑफिस में इब्जा के मुंबई की गोल्ड व्यवसायियों की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें ज्वेलर्स के बिजनेस को दुबई में आगे बढ़ाने के लिए और वहां रुककर बिजनेस करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इब्जा के नेशनल वाइड प्रेसिडेंट डॉक्टर चेतन कुमार मेहता ग्रुप CIO BVC वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के भाविक चेनाई ज्वेल ट्रेंड एग्जीबिशन के CIO गोविंद वर्मा इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता के संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इब्जा और ज्वेलर्स प्लैनेट दुबई ने सभी ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है, ताकि इब्जा के ज्वेलर्स व्यापारियों का बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े और गोल्ड बिजनेस को ग्लोबल मार्केट की कैसे ग्रोथ किया जाए इसके टिप्स भी गोल्ड व्यापारियों को दिया। आइए देखते हैं इब्जा की ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जैसे सेमिनार्स एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसी, जैसे हर बार जो हमारे देश की पॉलिसीज़ बदलती रहेंगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स को हम अपडेट करेंगे। फिर पर्सनल कंसल्टेंसी करेंगे सेटअप करने के लिए, अगर कोई दुबई में ऑफिस करना चाहता है, जब उसका अगर एक बार बिजनेस सेटअप हो जाए और दुबई में वो ऑफिस करना चाहता है तो ज्वेलर्स प्लैनेट दुबई उसके लिए हेल्प करेगी कि अपना खुद का ऑफिस वो बना पाए। उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो ज्वेलर्स प्लैनेट दुबई हेल्प करेगी और अपना एक दुबई का खास का ऑफिस सेटअप कर सकता है। उसके अलावा हमने ये प्रोजेक्ट साइन किया है ज्वेलर्स प्लैनेट दुबई इब्जा के साथ, क्योंकि ये हमारी फेटर्निटी को बहुत बेनिफिट है। बहुत नॉमिनल प्राइस, आज अगर हम छोटा सा छोटा एग्जीबिशन लगाते हैं तो 15 से 20 लाख लगता है, अगर हम पूरा बूथ बनाएं सब बनाएं, ये मात्र कुछ शून्य लक्ष में ये काम होने वाला है। उसकी प्राइस की डिटेल हम बाद में देंगे। ये प्राइस से भी ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड टू एंड का सोल्यूशन। आज मैं भी हूँ, कहीं कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे करूँ, तो ये जो हम प्लेटफॉर्म लेके लाए ये बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कोई रिटेलर्स के लिए, छोटे ट्रेडर्स के लिए जो अपना व्यापार बाहर बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है। इसको कोई चूकना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा एक वादा रहा है हमारी एसोसिएशन का, पूरे भारत में एक रहा है कि हम देने की संस्था है, लेने की नहीं है। जो हमारे इब्जा का काम है सिर्फ मैन्युफैक्चरर हमारी इंडस्ट्री को, जो हमसे इंडस्ट्री को मिला है वापस हमको इंडस्ट्री से देना है। तो इसके बारे में ये तो इब्जा का रोल रहा। उसके बाद मैं गोविंद वर्मा जी जो हमारे CMD है ज्वेलर्स प्लैनेट दुबई के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से और बताए। मेरा प्यार भरा नमस्कार, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए, आप सबके परिवार के लिए। जैसे हमारे इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चेतन कुमार मेहता जी का कहना और हमारे नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी भी यहाँ मौजूद हैं। ज्वेलर्स प्लैनेट क्या है, उससे पहले मैं आपको अपनी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। लास्ट 14 साल से हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए हमेशा कुछ नया से नया प्लेटफॉर्म लेके आते हैं जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को प्रमोट करे और हमारे मैन्युफैक्चरर्स को एक नया मार्केट ओपन करके दे। सो हम लोगों ने लास्ट 14 साल में नेशनली काफ़ी काम किया है पूरे भारतवर्ष में। अभी हम लोग कोविड टाइम पे हम लोगों ने ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ज्वेलर्स प्लैनेट हम लोगों ने दुबई में क्यों डाला, क्योंकि दुबई एक वर्ल्ड का एक आज की तारीख में ऐसा कंट्री बन चुका है जो एक ट्रेडिंग हब है, जहाँ हर कंट्री बहुत ईजीली आराम से कनेक्ट करती है, वेरी इजीली कनेक्ट करती है। वहाँ का एंट्री बहुत ईजी है, वीज़ा बहुत ईजी है और वहाँ का टैक्सेशन पॉलिसी भी बहुत इजी है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे भारत के साथ दुबई के साथ एक समझौता हुआ जिसमें एक सेपा करके एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें कि अगर कोई भी इंडियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चर दुबई में कोई भी ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ की इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो हो जाती है, तो ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी पर वहाँ पर माल अवेलेबल हो जाता है। तो दुबई एक ऐसा कंट्री है जहाँ 200 कंट्रियों से ज़्यादा के लोग हर साल विजिट करते हैं और करीबन 150 कंट्रियाँ वहाँ से एवरी 3 to 4 months में ज्वेलरी बाइंग करने आती है। एज़ पर आवर स्मॉल सर्वे वहाँ हमने ये देखा कि वर्ल्ड में, पूरे संसार में ओनली 92% जो 92% कंट्रीज हैं वो ज्वेलरी का ट्रांजेक्ट करती हैं और ओनली 8% कंट्रियाँ ही 8% कंट्रियाँ ही ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिसमें कि 4% कंट्रियाँ
उसका ज्वेलरी का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर करती हैं, जिसमें हमारे भारतवर्ष का नंबर भी सबसे अच्छे और सबसे बड़े पैमाने पर आता है। तो जैसे कि पूरे हमारे इतिहास में ये पता है कि ज्वेलरी का जो आविष्कार हुआ और ज्वेलरी के जो कारीगर लोग हैं वो सब इंडिया के अंदर बसे हुए हैं, चाहे वो अभी वर्ल्ड में कहीं पे भी बन रहा है लेकिन बेस इंडिया ही लेके चलते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में लगभग 2 लाख से 3 लाख ज्वेलर हैं, लेकिन कितने लोग आज तक एक्सपोर्ट कर पाए? हार्डली 6,000 लोगों ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर किया है, और उसमें भी जो ज़्यादा व्यापारी हैं वो डायमंड के एक्सपोर्ट में ही शामिल है। जो भारतीय सरकार का जो विज़न है, जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का विज़न है 2022-23 का 45.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट का विज़न है, और इस विज़न को हमें आगे लेकर जाना है। और डायमंड तो ठीक ठाक एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं पा रही है, जिसका जैसे गोविंद जी ने बताया, चेतन जी ने बताया, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन जो ये 2 लाख ज्वेलर्स में से ये कुछ चंद ज्वेलर्स ही ये कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इन सारे ज्वेलर्स तक हम पहुँचे, और यदि उनमें क्षमता है, यदि उनके पास अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम उनको उंगली पकड़कर चलाना सिखाना चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हम उनको लॉजिस्टिक, हम उनको वहाँ अगर उनके ब्रांच ऑफिस सेटअप करना है दुबई में, तो वो भी हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यदि उन्हें वहाँ पर सब्सिडरी कंपनी बनानी है तो हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यदि उनको कोई लॉजिस्टिक के बारे में जानकारी चाहिए तो हम लॉजिस्टिक की कंसल्टिंग उनको देंगे। यदि एक्सपोर्ट इंश्योरेंस किस तरह होता है वो भी हम उनको बताना चाहते हैं, और कितना आपको फ्रेट लगेगा, किस प्रकार से एक्सपोर्ट होगा, कैसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन होगा, किस तरह से कस्टम क्लियरेंस होगा, किस तरह से बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, किस तरह से आपको पेमेंट आएगा, किस तरह से आपका कस्टम अप्रेजल होगा, हम ये सारी सर्विसेज उनको देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझाना चाहते हैं। और उनके जो दिमाग में एक डर है कि किस तरह से एक्सपोर्ट होगा, कैसे हमारा माल वहाँ जाएगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे पेमेंट आएगा, ये बेसिकली इस डर को सिर्फ दूर ही नहीं करना है, लेकिन इसका हमें उनको प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस करवाना है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।